संस्कृति, प्रगति, संविधान और लोकतंत्र संरक्षण का संदेश लेकर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू से शुरू हुई यात्रा बुधवार को शहर पहुंची, जहां बाबा अंबेडकर साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा आगे बढ़ी। यात्रा संयोजक सेवानिवृत्त सेल टैक्स अधिकारी और समाज सेवी पोरलाल खरते ने बताया कि लगातार दूसरे वर्ष ये यात्रा निकाली जा रही है। इन चारों संदेशों को लेकर संवेदनाएं कम हो रही है। इन चारों विषयों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये यात्रा निकाली जा रही है। यह किसी एक समाज के लिए नहीं बल्कि समूचे समाज के अधिकारों, लोकतंत्र संरक्षण के लिए है। जय संरक्षक राजेंद्र पवार ने यात्रा का स्वागत करते हुए बताया कि समाज हित को लेकर निकाली जा रही ये यात्रा सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। परिषद विगत 30 वर्षों से वैचारिक आंदोलन चला रहा है। प्रतिवर्ष 13, 14 और 15 जनवरी को हमारा महासम्मेलन होता है, जो इस बार दादर नगर हवेली में आयोजित होने जा रहा है। प्रकृति, संस्कृति, लोकतंत्र और संविधान बचाओ अनवरत यात्रा आदरणीय पोरलाल जी खरते, सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व राज्य कर अधिकारी के द्वारा निकाली जा रही है, जो 30 तारीख से बाबा साहब अंबेडकर जन्म स्थली महू से प्रारंभ होकर मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों और महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए दादर नगर हवेली पहुंचेगी। आदिवासी समाज संगठन जयस, आदिवासी एकता परिषद जैसे तमाम संगठनों की ओर से आज मैं खरगोन जिले में यात्रा का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो ये यात्रा निकाली जा रही है, संस्कृति, प्रकृति, वर्तमान में हमारी प्रकृति के साथ में हंसदेव जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। मैं हमारे यात्रा के साथियों से अनुरोध करूंगा कि छत्तीसगढ़ के हंसदेव जंगलों के बारे में भी जागृति फैलाए और सरकार तक ये संदेश पहुंचाए कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ बंद करे। आज वहां पर हजारों जानवरों, पशु पक्षियों के जीवन के साथ अन्याय हो रहा है, मनुष्यों के साथ अन्याय हो रहा है। तो इस यात्रा के संयोजक महोदय से भी मैं निवेदन करूंगा कि महासम्मेलन में छत्तीसगढ़ के जंगलों के लिए पुरजोर तरीके से आवाज उठाएं और वहां आदिवासी सम्मेलन में उसको बचाने के लिए एक ऑडियंस लाए और समाज की ओर से सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत करें। राजेंद्र सिंह पवार, सामाजिक कार्यकर्ता हम जयस, जिला संरक्षक, जिला खरगोन। संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण अनवरत यात्रा, जनसंवाद यात्रा हमने इसका संक्षिप्त नाम दिया है और उसके डिटेल में क्या बात करेंगे ये मैंने विषय में बताया। इस यात्रा की शुरुआत हमने में सेवा निवृत्ति करने के उपरांत में, मैं सेल टैक्स अधिकारी था और 20 साल की सेवा करने के बाद में, 20 साल की सेवा मेरी बची हुई थी, सेवानिवृत्ति के बाद में मेरा जीवन समाज और देश के नाम पे समर्पित किया है। तो चार वर्ड चुने मैंने, संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण, इस पे ही पूरी जिंदगी भर काम करने का निर्णय लिया है। तो पहली यात्रा मैंने 2 सितंबर 2023 को इंदौर से मेरे गृह नगर मेंद्यापानी के लिए की थी। ये इस यात्रा का द्वितीय चरण है, जिसे हमें 30 दिसंबर 2023 को भारत देश के संविधान रचयिता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मस्थली महू से प्रारंभ की है। वहाँ से भारत देश के वीर सपूत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद टंट्या भील के कर्मस्थली पातालपानी से होकर जामगेट, जामगेट से मंडलेश्वर, महेश्वर, धामनोद, खलघाट, ठिकरी, ठिकरी से हम फिर अंदर घुसे नाइदड़ वाले रास्ते से कसरावत, कसरावत से पिपलगंज, पिपलगंज से गोगांव और गोगांव से आज पाँचवें दिन खरगोन पहुँचे। यहाँ से यह यात्रा भगवानपुरा के कई इलाकों से घूमते हुए सेंधवा, निवाली, फिर राजपुर, राजपुर से बड़वानी, बड़वानी से जो जंगल वाला पट्टा है वहां से खेतिया और खेतिया से पानसेमल का जंगल वाला पट्टा 20-25 गांव घूमते हुए महाराष्ट्र के कुछ जिलों और गुजरात के कुछ जिलों से होते हुए 13 जनवरी 2024 को दादरा नगर हवेली सिलवासा पहुंचेगी, जहां पर आदिवासी एकता परिषद का 31वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस यात्रा में क्या संदेश दे रहे हैं? इस यात्रा में जैसे कि मैंने चार वर्ड बताए, चार वर्ड के लेकर लोगों में संवेदनाएं थोड़ी कम हुई हैं, तो संवेदनाओं को फिर से जगाना और संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र बचेगा तो हम सबका अस्तित्व बचा रहेगा। यह यात्रा किसी पंथ, जाति, धर्म से जुड़कर नहीं है, इससे उठकर मानवता और इंसानियत और दुनिया में लोकतंत्र बचा रहे इस बात का संदेश देते हुए हम रास्ते में जा रहे हैं। क्या नाम लिखा? पोरलाल खरते, पूर्व राज्य कर अधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता। हेलो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।